उम्मीद पे दुनिया, उम्मीद पे दुनिया कायम है बिल्कुल. मधुबाला, मीना कुमारी और माधुरी, राइट? तीनों बड़ी फेवरेट हैं आपकी. तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम नहीं शामिल है इसमें? आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई एम सेइंग आई डिड इट अगेन. नहीं नहीं, आगे अच्छा वाला सवाल है. अच्छा अच्छा ठीक है. भाई मैं क्या करूँ? देखिए जहाँ मैं, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, ओके, बात यह है कि, और सच बात यह है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामों पे और पुरानी इंडियन फिल्मों पे बड़ी हुई हूँ. सही बात है, ठीक है ना? हाँ. और एक्चुअली मेरा ऑब्सेशन फॉर ओल्ड इंडियन फिल्म्स, ब्लैक एंड वाइट, बहुत बाद में शुरू हुआ. ओके. मुझे ऐसा लगता था ये मेरी दुनिया है, मुझे यहाँ वापस जाना है. आई कॉन्ट एक्सप्लेन टू यू कि मेरी प्लेलिस्ट क्या है और मैं क्या गाने सुनती हूँ जब मैं नहा रही होती हूँ. आई स्वेयर, आई मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है. नहीं, वो भी पॉपुलर गाने भी नहीं है. अच्छा. दे आर लाइक, एक दो के मदहोश हुआ जाए रे तेरा मन मेरा मन, ये इस टाइप के. तो मैंने भी नहीं सुना. एग्जैक्टली, बस जीत गई. एग्जैक्टली. तो आपको पता नहीं हाउ रियल दिस ऑब्सेशन, दिस, एंड इट्स नॉट एन ऑब्सेशन, इट इज, यू नो, जब आप रिकग्नाइज कर लेते हैं कि क्या आपको सुकून देता है. तो मुझे कुछ चीज़ें सुकून देती हैं, जैसे सूफी कलाम मुझे बहुत सुकून देता है. आप द परवीन लगा दें एंड आई विल बी लाइक अ वर्लिंग दरवेश. ओके. एंड सिमिलरली आई लव ओल्ड इंडियन सॉन्ग्स, सो दैट्स व्हाई. माधुरी तो खैर बहुत बाद में आती है. मधुबाला एंड मीना कुमारी, तो आई मीन हाउ कैन आई नॉट be obsessed with that. And you know, again another thing, so there was a time where we had to, where Sarah was like, you know, you must have gym jaane ki zarurat hai, healthy eating ki zarurat hai, and this and that, look at all these girls and this and that, and she's given up, everyone's given up, but she said, you know what it is with you, you are inspired by such an old generation of actors that this is what you believe an actor is, which is true, you know. जहाँ पे वो बॉडी इज नॉट डिफाइनिंग द. नो, आई डोंट नो, आई कांट इमेजिन कि मधुबाला जिम जा रही हूँ. जिम गई थी कभी? ओके. मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके पास एक, आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल, लेकिन बाबर तो मैं ये कह रही हूँ कि आई कांट इमेजिन. और ये सीरियस बात है, जितना ये हंस लें कोई बात नहीं, हम सब वी वर ऑल लाफिंग. या बट थिंक अबाउट इट, ना मधुबाला गई होंगी ना मीना कुमारी जी गई होंगी, हो ही नहीं सकता. और मुझे मतलब जब मैं वो जिम के क्या होते हैं टाइट्स जो भी मुझे कर, यू नो, आई वेंट फॉर निगार, इट्स लाइक दिस इज नॉट हाउ आई मेंट टू हैव माई डायरी, माई पेन, इंक पेन, माई कैंडल, okay, music, no, flowers in a vase, I don't know, I like those things. ab main kya karu? nahi nahi, kuch nahi kare. aap aise hi rahe, we like you as it is. I love that. and I love how their performances were also. I love how they sang their songs. You know, jo ek lip sync ka tareeka tha, wo expressions the. aur phir Madhuri, I loved when I was, you know, when I was growing up, that was like, I know Madhuri. Now talking about Pakistani actresses, I think my era was such. So I watched Tanhaiyan and Ankahi. So I enjoyed Shehnaaz Sheikh's performances and Mareena Khan, and I even remember Huma Nawab in those days. Yes. I remember as a child an image of Huma Nawab. Wow. मैं उनको कहती, मैंने कहा हुमा जी आपको याद है एक था जहाँ आपके यहाँ, how do you remember? I said, I have an image of it. कितनी अच्छी याददाश्त है आपकी? नहीं नहीं, बहुत बुरी है. कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद है. तो ये जो जिन ये जो तीन एक्ट्रेसेस के हमने भी नाम लिए, उनसे आपने कुछ उठाया अपनी एक्टिंग में? कभी आप यूज करती हैं इंस्पिरेशन कुछ है जो, बिकॉज व्हेन यू लव समबडी द वे यू लव देम, द वे यू आर इंस्पायर्ड बाय देम, और यू नो, तो होता है, इट्स नॉट लाइक कॉपिंग, बट यू लाइक इट एंड यू लाइक, आई वांट दिस टू बी पार्ट ऑफ मी. कुछ है बट आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डू नो दैट जब मैं सदके कर रही थी तो आई ब्रॉट इन अ लिटिल बिट ऑफ मधुबाला, ओके, इन अ वे दैट यू नो वेयर हर आईज वुड जस्ट लाइट अप एंड शी वुड हैव दीज, यू नो, एक्सप्रेशंस व्हिच वर वेरी इनोसेंट बट आल्सो वेरी
दे वर वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. सो वो मैं डाला क्योंकि मैं चाहती थी कि शानू लगे जैसे वो इस दुनिया की नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. हां लगती थी थोड़ी थोड़ी. हां उसका जो जो उसकी एक वो जज्बा था ना, आई जस्ट वांटेड के हर और लाइक शी शुड ऑलमोस्ट बी लाइक शी डिडंट बिलोंग टू दिस दिस वर्ल्ड. सो आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज वांटेड, बिकॉज इवन व्हेन आई जब मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा यार ये कौन है, यू नो. वैसे वो रीबाउंड ड्रामा था आपका. हाँ फिर भी शानू से इतनी मोहब्बत हो गई. I'm telling you, I'm very impressed. ये बहुत अच्छी वैसे आपने बात की है. हाँ बिकॉज आपने बोला है, मैं सुन रही थी, मैंने कहा आउच सत के तुम्हारे रीबाउंड ड्रामा. हाँ, रीबाउंड फुल रीबाउंड फ्रॉम बिनरॉय. ओके बिनरॉय वॉज यू नो दैट फर्स्ट लव रिलेशनशिप. Then it became toxic, and then there was, you know, a huge breakup, and we got back together, and that. And then I was like, you know what? I'm done. I'm going to have a summer fling. Yeah. And that was Sat Ke Tumhare. That was Sat Ke Tumhare. But yeah, but yeah, mohabbat ho gayi. Haan, bilkul sahi keh rahi hain. Kya karti? Nahi, nahi, understand. I'm not the fling type, na. Hua ye. Mujhe laga ki koshish ki aapne, lekin maine koshish ki. Koshish ki. Ki main कुछ कर कुछ ऐसी उठा लूं और ऐसी एक्टिंग कर लूं, बट आई कुडंट. नहीं हुआ, नहीं हुआ. और क्या लिखा हुआ था, सो आई वाज लाइक तो डायलॉग्स ओफ क्या डायलॉग्स एक्टिंग और फिर या परफॉर्मेंस. इट वाज जस्ट अब एहतशाम भाई और पूरी कास्ट, समिया मुमताज, रेहान शेख, अदनान, कौन नहीं था और क्या क्या हुआ है. याद है आपको कितना मतलब क्रेज था? मुझे याद है एक वो एक रात को वो लोग भाग जाते हैं दोनों, एंड दे ऑलमोस्ट अबाउट टू, फिर वो वापस आ जाती है कि माँ शायद धमकी देती है कि वो मैं खुदकुशी कर लूंगी. एंड यू नो आई एम सिटिंग लाइक मत जाना प्लीज बचा ले, यू नो. सो एंड नॉट जस्ट मी, आई थिंक जो भी देख रहा था वो इन इमोशन से गुजर रहा था. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल. इट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली रिटन, डायरेक्टेड, और बहुत मजा आया उस शो पे. जी बताएं, रफी का कौन सा फेवरेट गाना है आपका? सेवरल. जो गुनगुना सके आप? नहीं यार, ये थोड़ा सा तो अभी इतना अच्छा गाया था. नहीं वो मुझे लग रहा था कि वो आउट ऑफ ट्यून था. कोशिश करते हैं. वन ऑफ माय फेवरेट रफी सॉन्ग्स इज हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए. कोशिश करते हैं. नहीं नहीं. अच्छा टेल मी मायरा, कितना प्रेशर है बीइंग द फेस ऑफ पाकिस्तान कि कुछ चीज़ें जो आप करना चाहती हैं या कुछ चीज़ें जो आप पहनना चाहती हैं बट नहीं कर सकती है? नहीं है? कितना है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? नॉट रियली. नहीं? नो. ओके. आई एम क्वाइट इन माई ड्रेसिंग, आई माई सेल्फ एम क्वाइट कंजर्वेटिव. पता नहीं क्यों. आई मीन आई हैव लिव्ड अब्रॉड ऑल माई लाइफ. And if it's summertime, I'll put on a dress. I can wear shorts and a t-shirt. Yeah.